hello everybody welcome to our channel biochemistry guide in this video we will learn about the disease german missiles in this video we will see the introduction of german missile what are the symptoms of german missile what causes german missile and the rubella vaccination we will also study about the diagnosis first of all we will see what is german measles. so german missile also known as rubella

हमारे सिम्टम्स होते हैं और ये एक ऐसा इन्फेक्शन होता है जो कि पर्सन टू पर्सन जो भी खांसता है या कफ स्नीज करता है उसके जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसके माउथ से वाटर ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है ये काफ़ी ज़्यादा कंटेजियस डिसीज़ होता है दिस मीन दैट यू कैन गेट जर्मन मिसर इफ़ यू टच योर माउथ Nose, eye, after touching something that has the droplet from the infected person on it. You may also get German measles by sharing food or drinks with someone who's infected. So German measles is an acute exanthematous viral infection of children and adults. सो so, रुबेला और जर्मन मिसल्स जो होता है वो एक्यूट एग्जेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन होता है एक्यूट एक्जेंथेमेटस वायरल इन्फेक्शन का मतलब होता है वायरल इन्फेक्शन डेट कॉज रेड रैशेस ऑन द बॉडी और ये किससे किससे कॉज करता है एडल्ट में भी मिलता है और

ये सारे जो होते हैं ये सारे माइल्ड केस ऑफ मिसल्स में देखे जाते हैं ठीक है और इसके कुछ अलग तरह के जैसे सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस भी होते हैं कुछ एजेंट्स होते हैं जो कि सब क्लिनिकल इन्फेक्शन कॉज करते हैं ये वायरसेस जो होते हैं इनके पास पोटेंशियल होता है कि फीटल इन्फेक्शन्स को ये कॉज करें जो कि किस में बर्थ डिफेक्ट्स में रिजल्ट होते हैं यानी अगर मदर प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर मान लो मदर को ये रुबेले की वैक्सीनेशन नहीं मिली होती है तो ये क्या कॉज कर सकते हैं जो हमारे फिटस से फिटस में ये वायरस उनके ब्रेन के डेवलपमेंट को इन्फेक्ट कर सकते हैं या फिर उनकी बॉडी की डेवलपमेंट को इन्फेक्ट कर सकते हैं तो इस तरह के वायरस के लिए वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है फॉर दिस टाइप ऑफ डिजीज, okay? तो ओके और इस ये क्या कॉस कर सकता है ये एडल्टी एडल्टिफर वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन नाइनटीन सिक्सटी टू बाई दर्कमैन एंड कलिग्स एंड बाई वहाँ पे तीन साइट के नाम मैं पर्कमैन वेलर एंड नेवा और इनके कलीग्स ने इसको आइसोलेट क्या था

इसकी जो आरएनए है वो पॉलीएडेनाइलेटेड होती है पॉजिटिव सेंस है और सिंगल स्ट्रैंडेड है इसके बेसिस पे इसे कहाँ रखा गया है टोकोविरिडन फैमिली में रखा गया है और इसकी जो रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है इसके कारण भी ये इसमें टोगाविरिडन फैमिली में प्रेजेंट है और इसकी जो कैप्सिड्स होती है कैप्सिड जो इसकी है वो आइकोसा हेड्रल टाइप की है और इसकी जो एनवोलप है वो लिपो प्रोटीन से बनी हुई है ओके अगर हम इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं तो रिबेला वायरस जो है स्पेरिकल दिखेगा और इसकी जो एनवोलप होती है वो शॉर्ट सरफेस प्रोजेक्शंस इसके पास क्या होगा? होगा जिसकी अबाउट अबाउटी नैनोमीटर की होगी और इसकी जो एनवलप है वो सराउंडेड है? है? है और इसकी इसके पास एक हेलिक्स प्रोटीन है और आरएनए है बस इतना ही इनके पूरे स्ट्रक्चर में रूबेला वायरस मैच्योर कैसे होती है बाय दी हेल्प ऑफ बर्डिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन ठीक है इतनी बात समझ में आ गई नाउ वी विल सी द सिम्टम्स व्हाट आर द सिम्टम प्रेजेंट ऑन द पर्सन हाउ कैन वी कैन डिटेक्ट द पर्सन इज इंफेक्टेड बाय दिस रुबेला वायरस और रुबेला वायरस ओके द सिम्टम्स ऑफ जर्मन मिजल्स आर ऑफन सो माइल्ड दैट दे आर डिफिकल्ट टू नोटिस सो वी कैन नॉट नोटिस द पर्सन इज इंफेक्टेड और नॉट इंफेक्टेड व्हेन सिम्टम्स डू अकर दे यूजुअली डेवलप विद इन 2 टू 3 वीक्स द इंक्यूबेट

माइल्ड फीवर हो सकती है जो कि 102 डिग्री से कम की होगी एंड टेंडर लिम्फ नोड्स जो कि हमने डिस्कस कर लिया रन स्टफी नोट होंगे हेडेक होगा मसल पेन होगा और इसकी जो आइज पर्सन की जो आइज होगी वो इनफ्ल और रेड हो जाएगी ओके okay? अब हम डिस्कस करेंगे कि जर्मन मिसेस कौन से वायरस कॉज करते हैं तो इसका आंसर क्या है जर्मन मिसल इज कॉज बाय द रुबेला वायरस रुबेला वायरस जो है वो जर्मन मिसल्स को कॉज करती है ये चीज़ हम लोग ने देख ली है पहले से और यहाँ पे डिस्कस हम लोग ने कर लिया है कि ये वायरस जो होती है वो काफ़ी कंटेजियस होती है ये स्प्रेड हो काफ़ी तेजी से होती है अगर किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आ जाए जिसको ये पहले से हुआ है तो वो काफी अच्छे से स्प्रेड कर देगी दूसरों में भी इट मे पास फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन थ्रू द कांटेक्ट विद कॉन्टेक्ट ट्राइनी ड्रॉप्स ऑफ फ्लुड फ्रॉम द नोज एंड द थ्रोट स्नीजिंग एंड कफिंग दिस मीस दैट यू कैन गेट द वायरस बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन और टचिंग एन ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड विद द ड्रॉपलेट्स जर्मन मिजल कैन ऑल्सोटेडी थ्रो द ब्लडो से ट्रांसफर हो सकती है ट्रांसमिट हो सकती है ओके नाउ डिस्कस द वैक्सीनेशन ऑफ दिस रूबेला वायरस तो रूबेला वायरस को प्रिवेंट करने के लिए दो तरह के वैक्सीन है कौन कौन से एम एम आर वैक्सीन और एम एम आर वी वैक्सीन तो एम एम आर वैक्सीन का मतलब क्या है किस किस तरह से इसका नाम पड़ा एम एम आर वैक्सीन तो फॉर्म है मम्स एंड यहाँ तीन वायरस की बात हो रही है पहला जो मिसल्स कॉज करता है दूसरा जो मम्स कॉज कर रहा है और तीसरा क्या है रूबेला तो ये एक तरह का कॉम्बिनेशन वैक्सीनेशन हो गया और यहाँ पे सी डी सी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने रिकमेंड किया है कि इसकी जो डोजेस हैं एम एम वैक्सीन की वो ट्वेल्व मंथ के जो फर्स्ट डोज होती है वो ट्वेल्व मंथ से फिफ्टीन मंथ ऑफ एज के बच्चों को देनी चाहिए और सेकंड डोज जो है वो फोर इयर्स से लेके कर सिक्स ईयर तक के बच्चों को प्रोवाइड करनी चाहिए और ये जो वैक्सीन है एम वैक्सीन ये टीन्स और एडल्ट दोनों को ही हमेशा अप टू डेट रहना चाहिए इस वैक्सीनेशन से तो एम एम आर वैक्सीन काफ़ी सेफ होती है इफेक्टिव होती है इसकी एक डोज जो है वो उसको हम वन डोज ऑफ एम एम आर वैक्सीन इज अबाउट नाइन्टी सेवन परसेंट इफेक्टिव एट प्रूबेला ओके द चिल्ड्रंस मेंिस एम एम आर वी एम आर एम एम आर वी वैक्सीन चिल्ड्रेंस को एम एम आर वी वैक्सीन भी देनी चाहिए तो हम लोगों ने अभी पहले क्या डिस्कस किया एम एम आर वैक्सीन जो कि तीन डिजीज के लिए है कौन कौन से मिसल मम्स और रूबेला ठीक है और एम एम आर वी जो वैक्सीन है वो चार तरह के वायरसेस के लिए है कौन कौन से मिसल मम्स रूबेला और वैरीसेला वैरीसेला क्या है वैरीसेला चिकन पॉक्स को कॉज करने के लिए वायरस होते हैं ठीक है तो यहाँ पे चार वायरस के लिए ये है ये चार वायरस के कॉम्बिनेशन के लिए ये वैक्सीन बना हुआ है दिस वैक्सीन इज ओनली लाइसेंस फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर 12 मंथ थ्रू द 12 ईयर ऑफ एज तो सिर्फ ये चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है एमआरवी वैक्सीन ना कि एडल्ट्स को ओके okay? अब हम देखेंगे कि हम रुबेला जो डिजीज है रुबे जर्मन मिसल जो डिजीज है उसको हम कैसे डायग्नोसिस कर सकते हैं तो यहाँ पे तीन तरह के टेस्ट है ब्लड टेस्ट नेजल टेस्ट और यूरिन टेस्ट तीन तरह के टेस्ट होते हैं जिससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि पर्सन में रुबेला वायरस है इन्फेक्टेड है या नहीं है तो पहला ब्लड टेस्ट इसमें हम सैंपल कलेक्ट करते हैं वाई देल्प ऑफ नीडल और इसमें क्या हम जांच करते हैं हम एंटीबॉडीज को चेक करते हैं कि इसमें एंटीबॉडीज प्रेजेंट है कि नहीं अगर एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट होगी तो वो पर्सन सिक होगा ठीक है रुबेला रुबेला वायरस से इन्फेक्टेड होगा और नजर थ्रोट स्वैब में हम क्या करते हैं सैंपल लेते हैं फ्रॉम द नोज और थ्रोट से और इसकी लैब टेस्टिंग कराते हैं जिसमें हम साइन चेक करते हैं रुबेला की है या नहीं है यूरिन टेस्ट में भी सेम इसके पहले टेस्ट के लिए हम सैंपल कंडक्ट करेंगे और इसके साइन ऑफ रुबेला के लिए टेस्टिंग करेंगे सो आई होप यू गेट दिस टॉपिक थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वीडियो